मानो मेहर तुम दोनों इस आईने से दूर हो जाओ ताकि जब मैं आईना तोड़ू तब इसके टुकड़े आकर तुम पर ना गिर जाए ठीक है जाओ मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया पर ये आईना टूट क्यों नहीं रहा लाइट आई है इसमें इतना क्या डर रहा है तू जी मैं इतना डर गया हूँ कि लाइट आने से भी डर जाता हूँ जा जाके देख जा आप लोग हैं ना है ना हिल रहा है बापू जी ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा भगवान कि तेरा इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूं कि इसमें भूत नहीं है या इस बात की कंप्लेन करूं कि इसमें पपी क्यों है क्या है उसमें हे भगवान मैं तो सात सच्चों के परिवार में से हूं मगर आज ना सच बोल सकता हूं ना झूठ भगवान प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि सच भी छुप जाए और झूठ भी ना बोलना पड़े अरे उसमें भूत है क्या नहीं बापूजी इसमें भूत नहीं है अरे भूत नहीं है तो डरा क्यों रहा है हमें तू भी ना महज फालतू में टेंशन दे रहा है तू बता इसमें क्या है तेरे बापूजी तुझसे पूछ रहा है क्या देखा तूने उसके अंदर बापूजी आपको देखना इसमें क्या है तो इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ मैं तो आप खुद देख लीजिए ना हाँ तो देख लूंगा मैं कुछ डरता थोड़ी हूँ देख लूंगा मैं एकदम संभल के आराम से इसमें तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो ये स्टूल चल कैसे रहा था हो सकता है स्टूल के नीचे बिल्ली हो हाँ क्योंकि पिछले हफ्ते जिमी की मम्मी के यहाँ पर बर्तन के नीचे बिल्ली फंस गई थी और वो बर्तन पूरे घर में लेकर घूम रही थी तो ये बात तू अभी बता रही है हा? पहले बतानी चाहिए ना तो ये सब होता नहीं था चलो अभी सो जाते हैं हाँ। इसे रख देना गुड नाइट माँ गुड नाइट बापू जी गुड नाइट सॉरी मैं रख दूंगा ठीक है रख के आ जाइए थैंक यू भगवान थैंक यू तूने आज मुझे बचा लिया मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है मैं बच गया हूँ कि मैं फंस गया हूँ ये बॉस का पपी कहाँ गया बॉस का पपी सूरज निकल चुका है इसका मतलब है कि बालवीर को दिया गया चार पहर का समय समाप्त हुआ और बालवीर
बालवीर आधा परी तारा लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने अपना वादा नहीं निभाया तो क्या हुआ? हमने जो वादा अपने आप से किया है वो जरूर पूरा होगा। उन बच्चों को हम इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे, इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे कि उनकी चीखें बालवीर के कानों तक अपने आप पहुंचेगी और तब उसे पता चलेगा कि भयंकर परी की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। चलो नटखट परी। नहीं नहीं भयंकर परी, बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। हाँ भयंकर परी, अगर बालवीर नहीं आया तो इसमें मानव और मेहर की क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि वो बालवीर के चहेते हैं और बालवीर ने गलती की तो उसकी सजा अब वो बच्चे भुगतेंगे। हाँ जब वो बच्चे रोएंगे तब बालवीर को समझ में आएगा कि भयंकर परी जो कहती है वो करके दिखाती है। नहीं भयंकर परी, क्षमा कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए। क्षमा नहीं, सजा मिलेगी उन्हें, सजा मिलेगी उन्हें। चलो। पता नहीं अभी तक बालवीर उस आईने को तोड़ भी पाया होगा या नहीं। बालवीर, कल रात से तुम इस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये आईना तो टूट ही नहीं रहा है। हाँ मेहर, भयंकर परी भी थोड़ी देर में आती होगी। मुझे इस आईने को तोड़ने का कोई और तरीका निकालना ही होगा, पर क्या? गलपरी, सोने दो थोड़ी देर और। गलपरी जाओ, गलपरी जाओ, जाओ, जाओ। परी, वैसे तुम लोग छुप क्यों रहे हो? मुझे क्या पता है? तुम इतनी जोर से चिल्लाए मुझे लगा कि किसी ने हमें देख लिया है। अरे है नहीं देखा किसी ने हमें, देखो देखो आ गई है गालपरी वापस। गालपरी, अरे ये तो चमत्कार ही हो गया, हम गालपरी के मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। शुक्र है एक समस्या तो सुलझी, नहीं तो हम बालवीर को क्या जवाब देते, बाल परी और रानी परी को क्या कहते। वैसे मुझे बालवीर मेहर और मानव की बहुत चिंता हो रही है, वो लोग ठीक तो होंगे ना? विस्तार परी करना मत आप ज्यादा चिंता। हाँ ज्यादा चिंता और गुस्सा करने से आपके अंदर की विचार शक्ति और तेज हो जाती है और अगर ऐसा हुआ तो घर पे सब पे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और दूर रहना बिजली के उपकरणों से भी, अगर हो रही होगी आपको बहुत चिंता। ठीक है, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में हम लोग बल्लू मानव और मेहर बन जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग बाहर भी जा सकेंगे।
रेजिग्नेशन लिख के हो गया। हर जगह ढूंढा बॉस के पप्पी को, मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आज तक जितनी नौकरियों में से मुझे निकाला गया है उसमें मेरी सच्चाई की वजह से निकाला गया था। इस बार पहली बार होगा कि मुझे मेरी लापरवाही की वजह से निकाला जाएगा। यार ये बॉस की वाइफ का सरप्राइज गिफ्ट खो देने की वजह से बॉस मुझे निकाल दे, उसके पहले मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा रेजिग्नेशन। अरे आप इतने जल्दी उठ गए? उठने के लिए सोया कहाँ हूँ अभी। वो जो भी है आप एक काम कीजिए, आप है ना सबके लिए कपड़े बना दीजिए, बच्चों का नाश्ता फ्रेश कर दीजिए, और ये कपड़े है ना वो किचन में डाल दीजिए, और बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। श्वेता क्या क्या बोल रही हो? सॉरी, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। शुक्र है ये करेक्ट बोली है। अरे क्या, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैं, सब जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिला ये पपी, कहाँ चला गया? हे भगवान, कहीं बॉस तो नहीं आ गए? हाँ बाबू, डोरबेल बज रही है, दरवाजा खोल। हाँ, क्यों क्यों बाबू जी, क्यों खोलना है दरवाजा? क्यों, मैं ही खोल देता हूँ। दरवाजा तो मैंने खोल दिया, आप क्या सॉरी? ये दूध वाले को भी कमाल का ही गोल, दरवाजा खोलने में देर लगी तो दूध छोड़ के चला गया। अरे बहू बेटा, अच्छा दूध वाला था। खामा खा डर रहा हूं मैं। दूध वाला था। महेश। हाँ। मैं आ गया। रुक जाइए भयंकर परी, रुक जाइए। हमें बालवीर का थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। करती नहीं रानी परी किसी का इंतजार सिवाय मेरे। ये गलती बालवीर ने सही समय पर यहाँ नहीं पहुँचने की। देखिए थोड़ा सा समय और दे दीजिए, हम खुद बुलाएंगे बालवीर को, लेकिन आप मानव और मेहर को कोई नुकसान मत पहुँचाइए। आराम, अब कोई एक और शब्द नहीं बोलेगा। सब यहीं रुकेंगे सिवाय नटखट परी और तौबा तौबा के। बालवीर अगर चाहता तो आधा परितारा समय पर यहां ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। तो ठीक है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। महेश मैं आ गया। क्यों? क्या क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, आइए ना सर, आप ही का तो घर है सर, आप तो कभी भी आ सकते हैं, आइए सर। महेश पता है मैंने कितनी शानदार पार्टी रखी है। हाँ सर, हम सब परिवार आ जाएंगे, आइए महेश, आइए आइए सर, इधर आइए, सब आप आइए ना, बैठिए ना सर, प्लीज बैठिए 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 सर। महेश मैंने जो शानदार पार्टी रखी ना उसका शानदार तोहफा लेने आया हूँ। सर वो तो पार्टी में आएंगे तब लेके आएंगे ना। महेश मैं मेरा तोहफा मांग रहा हूँ। सर बैठिए, आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए ना सर। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपकी वाइफ का बर्थडे है तो तोहफा भी उन्हीं को मिलेगा ना सर, आपका बर्थडे आएगा ना तब आपको तोहफा मिलेगा। वेरी स्वीट ऑफ यू, पर फिलहाल मैंने तुम्हें जो सरप्राइज गिफ्ट दिया था ना मेरी वाइफ के लिए, वो गिफ्ट मैं तुमसे मांग रहा हूँ। कौन सा सर, कौन सा सरप्राइज? वो गिफ्ट तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। ज्यादा देर खुश नहीं रह पाएंगे सर। अरे मतलब आप बैठिए ना सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ। आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं,
खड़े रहने का बैठने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं मुझे पार्टी के लिए कितनी तैयारियां करनी है। तुम बोलो क्या बोलना है। सर मुझे जो कहना है वो मैंने इस लेटर में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। ये महेश भी है ना, बर्थडे कार्ड के पैसे बचा रहा है। बर्थडे विश भी सीधे साधे कागज पर लिख के दिया होगा। कुत्ता कहाँ है? आपको पता लग गया सर? मैंने पूछा कुत्ता कहाँ है? सर मुझे नहीं पता है। नहीं पता मतलब भाग गया? सर आपको ये भी पता चल गया? कहाँ भागा, किस तरह भागा, कैसे भागा? सर चारों ओर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे किसी भी हाल में वो कुत्ता चाहिए। ऐसे कैसे मेरी बीवी को काट के भाग सकता है वो कुत्ता? ओवर एंड आउट। तुम कुछ कह रहे थे? सर आप फोन पे बात कर रहे थे? हाँ। अरे हाँ गजब हो गया, अभी मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो गली के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। 2 किलोमीटर तक उसे भगाया और फिर उसे काट लिया। सर मैं एक बात बोलूं, आपकी वाइफ को कहिए कि घर से बाहर निकलने से पहले मेकअप कर लिया करें। नहीं मतलब वो गली के कुत्तों ने पहचाना नहीं होगा सर। आप ठीक हैं? अरे नहीं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सर आपका गिफ्ट? नहीं नहीं मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। ये गिफ्ट तुम अपने पास रखो, मैं अगर ये गिफ्ट मेरी बीवी को दूंगा तो वो तो मेरी तबीयत बिगाड़ देगी। तुम ये गिफ्ट अपने पास ही रखो। सर मेरे पास? मैं रखूं सर? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। सर रुके रुके सर, क्या है? अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है सर। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, दोनों चीज अपने पास रखो। सर लेकिन सर आपका गिफ्ट, सर आपका गिफ्ट, गिफ्ट सर। रुक जाओ बालवीर, तुम बहुत थक गए होगे। नहीं मैं, नहीं रुक सकता। भयंकर परी अभी बहुत गुस्से में होगी और अगर वो यहाँ आ गई तो वो तुम दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। भयंकर परी आ गई? भयंकर परी! अरे मानव तुम नींद में हो, भयंकर परी आई नहीं है। अगर वो आ भी गई ना तो हम उससे मुकाबला करेंगे। नहीं मेहर, भयंकर परी एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक परी है और इससे पहले वो यहाँ है मैं तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहता हूँ। बालवीर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, हमें बचाने के चक्कर में तुम खुद भी यहाँ फंस गए, सब उल्टा हो गया हमारे साथ। हाँ रानी पर से मिल रहे थे, भयंकर पर से मिल गए, सोचा था परिलोक में आके मजे करेंगे लेकिन यहाँ पर आके कैद हो गए। जब से हम यहाँ आए तब से सब उल्टा ही हो रहा है। मिल गया यहाँ से निकलने का उपाय। मिल गया क्या? मिल गया यहाँ से निकलने का उपाय। मिल गया उल्टा। उल्टा? हाँ उल्टा। अब हमें यहाँ से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या करने वाले हो बालवीर तुम? मैं अब तक जो कर रहा था उसका बिल्कुल उल्टा करूँगा। देखो हम अभी आईने में, और जब भी हम आईने में देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो वो आईने में लेफ्ट दिखाई देता है। हाँ जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखाई देता है। बस इसीलिए ये आईना टूट नहीं रहा था क्योंकि हम इस आईने को बाहर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आईना अंदर खींचने से टूटेगा। We'll be right back.
मैं जाऊं मदद करने। ए रहने दे। रुकिए रानी परी। रानी परी एक बार फिर सोच लीजिए। हम बस थोड़ी ही दूर हैं परितारा को पाने के लिए। आपका एक गलत कदम और हम परितारा से दूर हो जाएंगे। हमसे परितारा छीन लिया जाएगा। परितारा तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर अब तक नहीं आया, ये उसका जवाब है कि वो किसी भी कीमत पर परितारा का आधा हिस्सा मुझे वापस नहीं देगा। और फिर जब उसे परवाह नहीं है बच्चों की, तो मैं क्यों परवाह करूं? चलो जल्दी, मेरे हाथ उतावले हो रहे हैं उन्हें तड़पाने के लिए। चलो। कब बालवीर मानव महर को वापस लेके आएगा? पता नहीं कब गालपरी बालपरी और हम सब अपने असली रूप में आएंगे। कब भयंकर परी से हम अपना परिलोक हासिल करेंगे? कब होगा ये सब? कब? दिस छारपड़ी पहले तो आपके आने जाने से बल्ब या बिजली से चलने वाले उपकरण सिर्फ चालू और बंद होते थे, लेकिन अब ये बल्ब तो फूट ही गया। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। शायद मुझे मानव महर और बालवीर की ज्यादा चिंता हो रही थी, उसी की वजह से मेरी विजदार शक्ति भी बढ़ गई। विस्तार पड़ी, अगर ऐसी बात है तो चिंता कम कीजिए और बिजली से चलने वाले उपकरण से जरा दूर रहिए। क्यों बताऊं? क्योंकि अगर ये सब चीजें इस बल्ब की तरह फूट गई तो सबको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। इतनी विस्तार शक्ति बढ़ जाएगी तो घर में आफत आ जाएगी। गई क्यों रुका रानी परी? तौबा तौबा। हाँ, जरूरत नहीं है कुछ कहने की, समझ गया मैं। जब भी करना पड़ता है कोई बड़ा काम, करना पड़ता है मुझे ही। मतलब आता है मुझे बहुत मजा बच्चों को सताने में। अरे बेवकूफ, तुम बच्चों को तब सताओगे जब वो यहाँ होंगे। बालवीर बच्चों को ले गया। ये तुमने ठीक नहीं किया बालवीर, ठीक नहीं किया तुमने। आज तो बापूजी की फेवरेट टमाटर की चटनी बना रही हूँ, खुश हो जाएंगे। बहू क्या बना रही हो? आपकी चटनी। मेरी चटनी? मेरा मतलब है आपकी फेवरेट टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी लाओ, चखने के लिए दो। अभी बनी नहीं है बापूजी, बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, एक काम करना बेटा, इसमें ना नींबू और अदरक डालना। डाल दिया है बापूजी। नहीं नहीं, कम लग रहा है, मैं डालता हूँ। और हाँ, इसमें ना धनिया डालना। धनिया? धनिया। अरे वाह। और वो है ना प्याज थोड़े छोटे छोटे काट के। आप भी ना बापूजी, अभी लाइए। क्या खुशबू है बहू, जल्दी करो, अब ये चटनी खाए बिना रहा नहीं जाता। परी ने कहा था मुझे कि आज के दिन बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूर रहना।
जी ये क्या? ये भी कोई तरीका है चटनी चटाने का, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं थी। पर पापा जी, बटन तो ऑफ है, तो फिर ये मिक्सर कैसे चला? कुछ भी थे दो बच्चे, उन्हें भी ले गया पालवीर, दिखाकर आपको ठेंगा। दादा मैंने आपको देखा था बालवीर को मैंने रात में, लेकिन सुनी नहीं आपने मेरी। अगर सुननी होती और नहीं मारती आप मुझे थप्पड़, तो आज आपके मुंह पे नहीं पड़ता बालवीर का थप्पड़। ताबा ताबा, एक छोटी सी जीत का मतलब ये नहीं है कि बालवीर मुझसे जीत गया है। अरे छोड़िए करना बड़ी बड़ी बातें परी भयंकर, फिर आपके मुंह के पास आया हुआ निवाला छीन कर लेके गया बालवीर। अरे ले गया जैसे वो बच्चों को ले जाएगा, ठीक वैसे ही परी तारा के आधे हिस्से को भी। फिर भागना पड़ेगा आपको भयानक लोग, बन जाओगे आप फिर से रानी परी से भयंकर परी। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी, ले जा ये कटारा खींच के। हाथी जा ना भाई, नाराज है क्या? जा जा आगे। मानव देखो ना, मेरा हाथी नहीं चल रहा है। अरे रॉकी चाचू, ये हाथी नहीं, कार है कार। नहीं नहीं ये हाथी है हाथी। ये कैसे हुआ? मैंने इसका नाम रखा है ना हाथी, इसलिए। देखो ना मेरा हाथी नहीं चल रहा। रॉकी रिमोट बंद कर, मानव मानव। ये रुकिए रुकिए, विस्तार परी अब जितना उस ट्रक के पीछे भागेंगी, ट्रक आपकी विस्तार शक्ति की वजह से उतनी और तेज दौड़ेगी। पीछे आइए, अब पीछे आ गई ना, अब देखो अब। पता नहीं भयंकर परी ने गुस्से में बच्चों का क्या हल किया होगा, लेकिन अभी तक बालवीर क्यों नहीं आया? वो तो बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमने हमेशा से ही परीलोक में बच्चों की खुशियों के बारे में सोचा, और आज आज परीलोक में ही बच्चों को सजा मिलेगी, कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी उन्हें। बालवीर तुम जहां गए भी हो जल्दी आ जाओ। बालवीर यहाँ परीलोक में कैसे आया? नाराज हमें चलकर ये भयंकर परी को बताना पड़ेगा। रुको तराज, पहले जान तो ले कि आखिर ये यहाँ करने क्या आया है, वरना हम भयंकर परी को बताएंगे क्या? हाँ नाराज तुम सही कह रही हो। खुश रहो परियो, खुश रहो।
खुश रहो बालवीर। खुश रहो बालवीर। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी से जाओ और मानव और मेहर को बचा लो। आप सब परियां चिंता मत कीजिए, मैंने मानव और मेहर को भयंकर परी की कैद से आजाद कर दिया है। मेरे होते हुए मानव और मेहर को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बालवीर, तुम्हारे यहाँ परीलोक में होते हुए भी न जाने क्या क्या हो गया। वो नाराज परी का मतलब है कि क्या तुमने रानी परी, मेरा मतलब है भयंकर परी को हरा दिया और उनसे वो परी तारा छीन लिया है, या फिर परी तारा दिए बिना तुमने बच्चों की जान बचाई है। नहीं तारास परी, मैंने भयंकर परी को परी तारा का आधा हिस्सा दिए बिना ही मानव और मेहर को छुड़ाया है, लेकिन भयंकर परी से परी तारा का बाकी आधा हिस्सा हासिल करना अभी बाकी है। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं भयंकर परी को उसके धोखेबाजी की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और परी तारा का बाकी आधा हिस्सा हासिल करके परीलोक में सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। एक बार भयंकर परी के सामने तो जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा बालवीर। अब मैं चलता हूँ परी, मुझे मानव और मेहर को पृथ्वीलोक सुरक्षित पहुँचाना है, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। हाँ हाँ बालवीर, अब तुम यहाँ से जाओ, भयंकर परी यहाँ पर किसी भी समय आ सकती है। लेकिन बच्चे तो उड़ नहीं पाएंगे बालवीर, तुम एक काम करो, बच्चों को जल्दी पहुँचाने के लिए रानी परी का उड़न खटोला लेकर जाओ। हाँ ये सही रहेगा, शुक्रिया भटका दी परी। खुश रहो परियो, खुश रहो डुबा डुबा। खुश रहो बालवीर। बापूजी कहते रहते हैं कि मैं आजकल घर के कामों में ध्यान नहीं देता, इसलिए मैंने आज ऑफिस से हाफ डे लिया है और घर के सारे काम एक झटके में कर डालूंगा। शुरुआत करता हूं बापूजी के कमरे के इस बिगड़े हुए नाइट लैंप से, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया होता तो 100 रुपया ले लेता। अरे ये नाइट लैंप बदलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, किससे बदलूं कहां से। आइए ये खराब बल्ब निकल गया, अब नया बल्ब डाल देता हूं। नया बल्ब वहीं रह गया, अब उसे लेने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। क्या मानो, क्या हुआ बाबा? मानो इधर इधर। मैं चल दूं बाबा। ए भाई कहां जा रहा है? मैंने तुझे काम के लिए बुलाया, इधर आ। अरे नहीं, मेरी बड़ी विषधार शक्ति से अगर ये बल्ब जल गया और पापा ने इसको देख लिया तो क्या हुआ? अरे सर शौक होके क्या दिख रहा है, जैसे मेरे हाथ में जो बल्ब है वो जल रहा हो। अरे पुराना वाला बल्ब है, बिगड़ा हुआ। अरे मारो, कहां जा रहा है? इधर ये बल्ब ले और वहां से वो नया बल्ब उठा के दे। अगर मैंने ये बिजली से चलने वाले बल्ब को हाथ लगा दिया तो ये भी जल उठेगा और मानव के पिताजी को हमारे बारे में पता चल जाएगा। क्या करूं मैं? क्या सोच रहा है? लाना भाई दे। अरे भाई आधे दिन की छुट्टी ली है, पूरे दिन की छुट्टी नहीं ली है, बहुत सारे काम करने पड़े। जा। जी मैं पहले नया बल्ब उठा देता हूँ। वैसा करेगा? अच्छा ठीक है वैसा कर, चल दे जल्दी। ये जलता हुआ बल्ब कैसे दूं मानव के पापा को, आज तो लगता है पकड़े ही जाएंगे। मानव। हाँ लाए बाबा। अब और कोई चारा नहीं है, अब तो बल्ब देना ही पड़ेगा। अरे भाई मानव देर हो रही है, लाना। लाया बाबा। ऐसे क्यों भाग गया? वो उसको कुछ काम होगा, आप ये लीजिए ना। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो स्ट्रेंज बिहेवियर किया इसने। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, आप लीजिए ना। अरे खड़ी क्यों रानी परी, करो कुछ सिवाय अपने भाषणबाजी के। अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही हूँ तबा तबा, और इस बार मैं जो चाल चलूंगी उससे बालवीर और वो बच्चे बच नहीं पाएंगे। तुम सोचती रहो अपनी दुष्ट चालें भयंकर परी, लेकिन बालवीर
मानव और महर को बचाकर कहीं दूर ले जाएगा। भयंकर परी, तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है, तुम्हारा अंत आने ही वाला है। देखिए रानी परी, देखिए बादलो अपना सामान, आ गया समय परी लोग से जाने का। क्या बकवास कर रहे हो तोबा तोबा? बकवास नहीं रानी परी, देखिए देखिए है जा रहा सपना मेरे प्रधान बनने का और आपके रानी परी बने रहने का, आपके ही उड़न खटोले में। लगता लगा है जोर का झटका इनके दिमाग पे, हो गई है पागल पूरी तरह। भयंकर परी ने इन्हें देख लिया है, अब क्या करेगी ये? कितना नादान है बालवीर, मेरी सुरक्षा कवच से बचाकर कहाँ ले जाएगा बच्चों को। मैं अभी जादुई कुंड में जाकर पता लगाती हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। अब चाल चलने की बारी मेरी है। बालवीर यहां पे आ रहा। देख रहे आप इस जादुई कुंड में टूट गया है ये। अरे बालवीर निकल गया फिर से एक कदम आगे आपसे, दे गया मात आपको। बालवीर अरे मानव मानव बेटा रुक, एक काम कर, तू है ना ये स्त्री पकड़, तब तक है ना मैं टेबल सेट करता हूँ। मैं नहीं पकड़ सकता दादाजी। तो बेटा पकड़ ले, इसमें करंट नहीं लगेगा। करंट तो मुझ पे है दादाजी। अरे बेटा पकड़, झटका नहीं लगेगा। झटका तो आपको लगेगा दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं। पकड़ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, तब तक मैं ये लगा लेता हूँ। ये तो पहले से ही गर्म है। मैं जाऊं दादाजी? नहीं बेटा, तू एक काम कर, दादाजी को थोड़ी मदद कर। एक काम कर, तू है ना ये कुर्ता लगा, तब तक मैं इसको प्लग में लगा देता हूँ। काम करता हूँ, कुर्ते को इस्त्री करता हूँ, प्रेस करके पहन के सीधा मंदिर ही चला जाता हूँ। मुसीबत तो अच्छी खासी अपने कमरे में जा रही थी दादाजी, आपने ही तो उसे अपने पास बुलाया है। रुक जाइए बापू जी। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, मुझे तुम्हारा काम है। पहला मुझे बचाओ। आपको किससे बचाऊं बापू? अरे मुसीबत से बचाओ। मुसीबत तो मंदिर गई है क्या? मजाक कर रहा हूँ बापू जी। माँ और स्मिता मंदिर गए, तो मुसीबत तो मंदिर गई है ना। लेकिन आपको क्या हुआ? अरे तुमने ही तो कहा बापू जी रुको। अच्छा वो वो तो बापू जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे होते हुए आप काम करेंगे, मैं काम करूंगा बापू। पिछली बार कुर्ता नहीं जलाया था बापू जी। पिछली बार जलाया था। पिछली बार नहीं जलाया था। पिछली बार जलाया था। पिछली बार नहीं जलाया था। पिछली बार ही जलाया था। पिछली बार नहीं जलाया था, पिछली के पिछली बार कुर्ता जलाया था। पिछली बार तो पायजामा जलाया था ना। सर याद रखिए। सॉरी बापूजी। मैं जाऊं बाबा। सॉरी बेटा। नहीं नहीं काम है। रुक। कुछ जलने की बू आ रही है। अरे मेरा कुर्ता जला दिया। फू फू करके क्या फायदा, मेरा कुर्ता तो जला दिया ना।
अच्छा खासा प्लग लगा के स्त्री को गर्म करके कुर्ते को ऐसे प्रेस करके मंदिर जाने वाला था। अब नहीं जा रहे हो? नहीं, मंदिर तो जाने वाला था लेकिन मैंने प्लग नहीं लगाया था। क्या? हाँ? बापूजी प्लग तो लगा हुआ है, स्विच ऑन नहीं किया था आपने। लेकिन स्विच तो ऑन है, लगता है सुबह से जो झटके लग रहे हैं ना उसमें ये मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी विस्तार शक्ति जागृत हुई है और इसलिए आप पिछले जो चलने वाले उपकरणों से दूर रहिए। मैं क्या करूं सिलेंग परी, घर के कोने कोने में बिजली से चलने वाले उपकरण है, मैं जहां भी जाती हूँ ये बिजली से चलने वाले उपकरण अपने आप शुरू हो जाते हैं। शोर से पहले होता था लेकिन जब से बच्चों और बालवीर की चिंता की वजह से आपकी विजडा शक्ति बढ़ी है ना, तब से ये और तेज होने लगी है। और जिसकी वजह से आज दादाजी को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब अपने आप हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ लेकिन आप इतना तो कर सकती है ना कि बिजली से चलने वाले उपकरणों से थोड़ा दूरी बना के रखे और बाहर आ जाए जब कोई भी हो, और खास दौर से जाजा जी। ठीक है। आखिर आया ना मेरा ही जादुई कुंड काम आपके, हमेशा आता हूँ मैं ही काम आपके। हाँ पता नहीं क्या कर लेगी आप मेरे बिना। क्या मतलब है आपके जादुई कुंड से अच्छा मेरा वाला जादुई कुंड? देता नहीं कभी भी धोखा, अगर होता मैं परी भवन में तो करता नहीं बालवीर कभी हिम्मत बच्चों को छुड़ाने की। लेकिन है तो आप ना समझ कम कर बेवकूफ। क्या कहा? समझती मुझे। तुम्हारी बेकार की बातें खत्म हो गई हो तो चले जादुई कुंड के पास। चले जादुई कुंड के पास? रानी परी है हम लोग जादुई कुंड के पास ही, ये देखिए। क्या वो क्या मेरे जादुई कुंड को टूट गया मेरा जादुई कुंड? छोड़ूंगा नहीं मैं बालवीर को रानी परी। अरे थोड़ा आपका जादुई कुंड हो तो ठीक था लेकिन थोड़ा उसने मेरा जादुई कुंड। या तूने ये नहीं अच्छा चुप। बेकार की बातों में समय बर्बाद करना आता है तुम्हें? बस मुझे मानव और मेहर तक जल्द से जल्द पहुंचना है। यहाँ कोई और जादुई कुंड है क्या? है और एक जादुई कुंड परीलोक में। क्या हुआ बाबूजी, क्यों ऐसे चल रहे हैं? आज का दिन ही खराब है। तो उसमें चल क्यों रहे हैं साहब? अरे सुबह से मुसीबत एक के बाद एक गले पड़ रही है। ये वैक्यूम क्लीनर चालू तो नहीं है ना? बाबूजी इतने दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, पता नहीं ये अच्छा वाला है कि चालू वाला है। मेरा मतलब ये अपने आप चालू तो नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा, इसका भरोसा नहीं है बाबूजी। इसके होल के सामने जो आएगा ना वो सोचो चिपक जाएगा। वो चिपक जाएगा? तो अरे कहाँ जा रहे बाबूजी, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार देख लेते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ बाबूजी, कितना क्यूट डरते हैं आप। अरे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बाबूजी, पहले इसका वायर लेके वो स्विच बोर्ड में डालना पड़ेगा, स्विच चालू करना पड़ेगा, तब जाके चालू होगा ना। तो मैं आराम से अखबार पढ़ सकता हूँ? हाँ बिंदास आराम से पढ़िए अखबार।
भी चावी आड़ी चावी मजा आएगा भी। तुझे पढ़ना है एक बार? नहीं तो जा ना। अरे मेरे को भी बहुत काम है बाबू जी। अच्छा है यहाँ पर कोई नहीं है। अब जैसा दादी ने मुझसे कहा है मैं जल्दी से जाके अलमारी में से दवाई का डब्बा ले लेती हूँ। अरे ये तो शुरू हो गया। इससे पहले कि कोई मुसीबत में पड़े मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बचाओ! अरे बचाओ! दादाजी तो इसी कमरे में। इस आखिरी जादू कुंड को भी नष्ट कर देती हूँ ताकि भयंकर परी ये कभी ना जान पाए कि बालवीर और मानव मेहर कहाँ है। लग रहा है जादू ही कुंड को नष्ट होने में। भयंकर परी यहां आती ही होगी। उसके आने से पहले अगर ये कुंड नहीं टूटा तो बालवीर की सारी मेहनत बेकार जाएगी। नटखट परे तुम यहां क्या कर रही हो नटखट परी? रानी परी, जैसे ही रानी महल में आपका जादुई कुंड नहीं खुला मैं तुरंत ही इस जादुई कुंड के पास आ गई ताकि इसे बालवीर से बचा सकूं। शाबाश नटखट परी, शाबाश। लेकिन मुझे आने में देर हो गई रानी परी। देखिए बालवीर ने ये जादुई कुंड भी तोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं रानी परी, उस पार परीलोक में एक और जादुई कुंड है। चलिए हम उस कुंड में जाकर देखते हैं कि बालवीर कहाँ है। कोई फायदा नहीं है वहां जाकर, बालवीर ने वो कुंड भी तोड़ दिया है। क्या? तौबा तौबा, तुमने सही कहा था। इस बार भी उस बालवीर ने हमारी रानी परी को मात दे दी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है नटखट परी, ये लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ बालवीर की हार पर खत्म होगी। लेकिन कैसे रानी परी, सारे जादुई कुंड तो टूट चुके हैं। अब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि बालवीर और बच्चे कहाँ छिपे हैं। तुम अभी भयंकर परी की सारी शक्तियों से वाकिफ नहीं हो। मेरे पास और भी कई तरीके हैं बालवीर को ढूंढने के। हे जादुई राजदंड, बताओ मुझे किस दिशा में गया है बालवीर? बताओ उस तक जाने का रास्ता। बस अब ये मुझे ले जाएगा जहां बालवीर मानव और मेहर के साथ।
इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा बालवीर और बच्चों का, क्योंकि भयंकर परी जल्दी उन्हें ढूंढ लेगी। बचाओ बचाओ बचाओ, माना तू कहां जा रहा है, मुझे बचा। हाँ दादाजी आप घबराइए मत, मैं आपको बचा लूंगा। अरे क्या घबराइए मत, ये वैक्यूम क्लीनर मुझे खींच रहा है और तू मुझसे कह रहा है कि घबराइए मत। अरे घबराऊ नहीं तो और क्या करूं। अरे ये वैक्यूम क्लीनर तो मेरी वजह से चल रहा है, मतलब अगर मैं बाहर गई तो ये वैक्यूम क्लीनर बंद हो जाएगा और दादाजी नीचे गिर जाएंगे। महेश, कस्तूरी, बहू, बचाओ। अरे क्या हुआ, इधर हो, इधर अटके हो। अरे यहाँ लगता है बाहर अटके, चलो। मैं यहाँ हूँ। अरे बापू जी। अरे आप ऊपर क्या कर रहे हैं? तुम ऊपर आओ तो मैं बताता हूँ। हाँ, ठीक है, बाजू। अरे माँ माँ मा, नहीं बुला नहीं रहे भाई, वो बाबू जी क्या कर रहे हैं आप? अरे ये वैक्यूम क्लीनर मुझे खींच रहा है, इसे किसी तरह बंद करो। हाँ बाबू जी, करता हूँ। बाबू जी मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अपने आप चल कैसे रहा है। क्या? अरे कुछ भी करो लेकिन इसे बंद करो। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, कुछ कीजिए ना। बाबूजी ऊपर, मामा मुझे भी ऊपर बैठना है, जब वो हटने तो फिर मैं बैठूंगा। पहले मुझे तो नीचे उतारो। चलो लाइन बनाते हैं खींचने के लिए। तू हंस क्या रहा है? हंस नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं हंस नहीं रहा हूँ। हंसते हंसते बोलता और कहता हंस नहीं रहा हूँ। क्या कर रही तू? मिस्टर परी अभी आई क्यों? अरे मैं क्या करती, दादी ने पकड़ लिया और बोला जा अलमारी से दवाई ले आ। अरे तो अभी यहाँ खड़ी क्यों है, जाएगी ना? अरे जैसे मैं यहाँ से जाऊंगी ये यंत्र बंद हो जाएगा और दादाजी नीचे गिर जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी। ओ यस, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। रॉकी चाचू चलो टीचर खाते लेके आते हैं। जल्दी लेकर आओ। एक मिनट बाबूजी, रुकिए, आप रुकिए रुकिए बाबूजी, अभी रे आप यहाँ क्यों खड़ी है, चाहिए ना? मुझे लगता है हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये बिजली के उपकरण अचानक घोड़े की तरह बेलगाम चलने लगते हैं। हाँ माँ मैं कुछ करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया और वज्रा परी उसके सामने आ गई तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। दुबा दुबा एक को ही अब कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं मानो, हम थोड़ी ही देर में उस दरवाजे तक पहुंच जाएंगे जहां से तुम दोनों परी लोग आए थे, और फिर तुम दोनों वहां से अपने घर जा सकते हो। मगर उससे पहले भयंकर परी ने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मानव मानो मैंने भयंकर परी के सारे जादुई कुंड तोड़ दिए और वो हमें देख ही नहीं पाएगी तो ढूंढेगी कैसे? हम पर हमला किसने किया? भयंकर परी? मानो मेर बचो। बालवीर तुमने तो कहा था कि भयंकर परी हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। जरूर इस दिशा दिखाओ यंत्र से, भयंकर परी ने हमें ढूंढा होगा। अब तो मुझसे नहीं बचोगे बालवीर। बहुत ही जल्द तुम तीनों मेरी कैद में होंगे। मनोमेर
मानो और मेहर मेरे साथ नहीं होते तो मैं भयंकर परी को इसका जवाब जरूर देता, पर इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मानो और मेहर की सुरक्षा। बालवीर, इसे और तेज चलाओ, भयंकर परी हमारे नजदीक आ रही है। मानो मेहर, खुद को बचा। इससे तेज नहीं जा सकते। फिर तो भयंकर परी हमें पकड़ ही लेगी। कुछ करो बालवीर, कुछ करो। हाँ, मुझे भयंकर परी को भ्रमित करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ये उड़न खुटोले को घुमा क्यों रहा है? तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बालवीर, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते और ना ही अपने उस प्यारे मानव और मेहर को मुझसे बचा सकते हो। बहुत हो गई है चूहे बिल्ली की दौड़। मैंने कहा था ना, मुझसे बचना नामुमकिन है। बड़े कमजोर निकले तुम बालवीर, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और अब मैं हर उस परी को भी खत्म कर दूंगी जो मुझे मेरा परितारा हासिल करने से रोकेगी। चलो तुम्हारे अंतिम दर्शन तो कर लूं, इसके बाद कहां मिलोगे तुम मुझसे? ये बालवीर और बच्चे कहाँ हैं? यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उड़न खटोले में थे ही नहीं? इसका मतलब उस बालवीर ने ये सब कुछ मुझे भ्रमित करने के लिए किया। कब तक मुझसे बचोगे बालवीर? मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी और तुम्हारे साथ साथ उस मानव और मेहर को इतना दर्द दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि पूरा परिलोक कांप उठेगा। बापूजी, ये लीजिए, ये आ गया। आ बेटा। ए मेहर, तुम्हारा दोस्त आया स्कूल से, उसने भी नाटक में हिस्सा लिया। मैं। हाँ, बोलो। मैं डॉक्टर छटकानंद, मैं करंट मारता हूँ। ये करंट मारता है? हाश, अरे तुम जाते हैं आपकी। ये तो किसे लेके आया है? बापूजी, ये
बिजली का डॉक्टर है। तो बिजली का डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको बिजली के पास लेके जा। मैं करंट मारता हूँ। बापूजी ये इलेक्ट्रिशियन है, हमारे घर में जो बिजली के उपकरण अपने आप चालू हो जाते हैं ना, वैसा क्यों हो रहा है ये चेक करने के लिए इसे बुलाया मैंने। अच्छा हुआ सुबह से परेशान हो गए। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। मैं आपकी नहीं बच्चों के दादाजी की बात कर रही हूँ। ओके तो आप दादाजी से परेशान है? मैंने कब तुम्हें परेशान किया, उल्टा सुबह से मैं परेशान हूँ। किस से? दादी से। मैंने आपको कब परेशान किया? अरे ये सब छोड़िए ना, और प्लीज आप ये सब छोड़कर देखिए ना कि ये बिजली से चलने वाले उपकरण अचानक अपने आप क्यों शुरू हो रहे हैं। ओके मैं अभी चेक करता हूँ। रिलैक्स, इसमें अभी भी करंट बाकी है। अरे इसमें लाइट क्यों नहीं गिर रही है? नीचे गिर रही है ये ऐसे इसका। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स। ओ नो, ओ नो, ओ नो, बच गए। I see. क्या? ऐसी गड़बड़ है। ओ ओ भाई ओ ओ रहने दो। सॉरी ये मेरे कवरेज क्षेत्र के बाहर है। हाँ। क्या? क्या चालू है? हाँ, स्मिता तुम्हें नहीं बोल रहा है, लाइट चालू है ऐसा बोल रहा है ना? हाँ। एक्सट्रीमली सॉरी दादाजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्या स्टेथोस्कोप? बिजली, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो हर तरफ बिजली है, हर कोने में, हर सामान में, हर दीवार में। नहीं वो हमें पता है, वैसा क्यों है ये तुम बताओ। रिलैक्स, मैं अभी चेक करता हूँ। सॉरी दादाजी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। खराब है, बहुत खराब है। क्या थर्मोमीटर? जल्दी गिरेगी आप पर। क्या दीवार? बिजली, मैं करंट मारता हूँ। ये आप किसे लेकर आए? ये तो उल्टा हमें ही डरा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, इसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? ये नींबू और मिर्ची इसका इलाज है? है? अरे नहीं ये तो इसमें डालने के लिए, ये कुरमुरे, ये अचार, ये हरी चटनी, ये नमक, ये वाटाना, ये सेव, ये कांदा, कांदा थोड़ा ज्यादा डालना मुझे पसंद है, ये छुरी, ये और नींबू और कांदा और मिर्ची, बन जाएगी मस्त तेल। मेरे ख्याल से आपको वो काम करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं। तुमने
तुमने कितनी आसानी से भयंकर परी को बेवकूफ बना दिया। हाँ सही आइडिया लगाए तुमने भयंकर परी से हमें बचाने का। मानो मैं उड़न खटोले को नीचे ले रहा हूँ, इसलिए जब भी मैं मेरा हाथ पकड़ने के लिए कहूँ और कहूँ कूदो तो कूद जाना। ठीक है। हाँ मानो अब हम उस दरवाजे की ओर जाएंगे जहाँ से तुम दोनों परीलोक आए थे और वहाँ से तुम दोनों वापस पृथ्वी लोक भी जा सकते हो। ठीक है चलो चलो मानो मेहर। हाँ हाँ मिल गए मिल गए। हाँ बेल मिल गई है। बिजली मिल गई। अच्छा रिलैक्स, आप सब टेंशन मत लो। तो क्या ले? करंट लो। हाँ? मतलब मजा लो, क्योंकि मैं भगाने वाला हूं इस बिजली के करंट को जो आपके घर में चारों तरफ बह रही है। हाँ पर कैसे? कैसे? हो गया। Very good. अब सब कुछ ठीक हो गया, अब आपको जाना चाहिए। Okay. Thank you दादाजी। Thank you, thanks. Thank you महेश जी। रुको। जाओ अपनी फीस लिए बिना ही जाओगे? ये लो। और हाँ अब करंट नहीं मारना। बिजदार परी आज आपने अपनी बिजदार शक्ति से गिराई है बिजली दादाजी पे बहुत। हाँ वो तो अच्छा हुआ छुपा छुपा है कि तुम सही समय पे इलेक्ट्रिशियन बन के आ गए, वरना अगर घर वाले एक असली इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते तो सबको हमारे बारे में पता चल जाता। अरे परी फिरंग हूँ मैं जब तक साथ आपके हो ही नहीं सकती कोई भी गड़बड़। गड़बड़ तो अब होने वाली है। हाँ परी विस्तार नहीं है बिजली वाला उपकरण कोई आपके पास? आपके पास समस्या वो नहीं है बल्कि हम कुछ ही पल में अपने असली रूप में आ जाएंगे। हम परियों के रूप में और तुम डूबे एक के रूप में आ जाओगे, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर हमें कोई ना देख सके। अरे हाँ अब सही कह रही है, चलो चलते हैं। लिए चलिए। अरे चुपा चुपा एक इधर नहीं उधर। अरे हाँ चलिए चलिए। लगता है सबको मुझे शौक लगाने का शौक हो गया है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, फिर मुझे झटका कैसे लगा? लगता है आज ये रोहित के उन स्कूल में लेट हो गए। अरे शायद इन पिद्दियों की फौज की वजह से मुझे झटका लगा होगा, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर बालवीर जी उनके साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। पर हमारा क्लासरूम तो यहाँ है, तो वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? जरूर बालवीर जी को मिलने जा रहे होंगे, मैं भी उनका पीछा करता हूँ। ऐसा कि कोई कर रहा है पीछा हमारा। पर
पर छुपा छुपा है, क्या तो कोई नहीं है। हाँ, डर की वजह से लग रहा है ऐसा कि कोई कर रहा है पीछा हमारा। और देखो जहाँ भी हर जगह दिख रहा है कोई ना कोई। अब हम छुपेंगी कहाँ पर यो? बस कुछ ही पल बचे, अगर हम सही समय पे कहीं ना छुपे तो सबको पता चल जाएगा कि हम मुस्लिम माना मेहर और बल्लू नहीं है। चलो जल्दी से कोई जगह ढूंढते हैं। हाँ चलिए चलिए। क्या ये असली मानव मेरा बल्लू नहीं है? तभी मैं सोचूं कि बिना बालवीर की मेरी बहन कैसे बचा रहे थे। पर अगर ये असली मानव मेरा बल्लू नहीं है तो ये है कौन? अभी पता करता हूं। किसी ने हमें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, हमको देखा किसी ने भी नहीं। इन्होंने जरूर मानो मेरे बल्लू के मास्क पहने होंगे, पर इतने अच्छे मास्क इन्होंने लाए कहाँ से? अगर मुझे इतना अच्छा मास्क मिल गया ना तो मैं बालवीर बन के घूमूंगा। अरे चुपा चुपा एक हमारे बैग रख दो, क्योंकि अभी हमारे परियों के रूप में आने का समय आ गया। अभी इन्हें पकड़ता हूँ। ये तो सचमुच की परी है, और ये लंबे कान वाला कौन है? और ये आए कहां से है? असली मानो मेरा और बल्लू कहां है? मानो मेहर, हम दरवाजे तक पहुंच गए। अपने घर वापस जा सकते हो। सिर्फ हम दोनों? मतलब तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं मेहर, मुझे अभी भयंकर परी से परी तारा और परीलोक वापस हासिल करना है, इसलिए इस समय तुम दोनों जाओ। एक बार तुम दोनों सुरक्षित हो गए तो मैं भयंकर परी से निश्चिंत होकर लड़ सकता हूँ। ठीक है बालवीर, हमें यकीन है कि तुम परीलोक में सब कुछ ठीक कर दोगे। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया मानो मेहर, अब जल्दी जल्दी जाओ। हाँ। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे बालवीर?